नमस्कार दोस्तों, इस चैनल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी मैं लेके आया दोस्तों, क्या आप भी अपने बालों को सिल्की और लंबा और घना बनाना चाहते हैं? अगर आप चाहते तो पूरा वीडियो जरूर देखते रहिए। आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नुस्खे बताने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको बहुत फर्क पड़ेगा, और ये तरीके सब आपके घरेलू और आपके आस पड़ोस में मौजूद है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिल्की बाल करने के तरीके के बारे में। हम बात करेंगे एलोवेरा के जेल से, हमें करना कैसे है। सबसे पहले हम एलोवेरा पत्तियों को काट लें, फिर चम्मच की मदद से उसका जेल निकाल लें। जेल निकालने के बाद उसे हल्के से मिक्सर में गूंद लें और उसका मुलायम पेस्ट बना लें। उसमें उसके अनुसार कुछ जो है पानी डाल दें और उसके मिश्रण को अच्छा बना लें। इस मिश्रण को एक बोतल में भर लें और उसको बालों को धोने के बाद और सूखने के बाद उसको स्प्रे कर लें और स्प्रे करने का छोड़ दें, तो आपके बाल दिन भर सिल्की रहते रहेंगे दोस्तों। और सबसे अच्छी बात क्या है, वो रूसी भी नहीं होगा। और इसके फायदे हैं कि 3 से 4 हफ्ते कंटिन्यू करेंगे तो एलोवेरा के अंदर जो है एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो सिर की त्वचा को खराब कोशिका को ठीक करते हैं, बालों को रोम जो छिद्र है उसको अच्छे से ओपन करते हैं और बालों को बढ़ने मदद करते हैं। इस सामग्री का फायदा है कि बाल हमेशा जो मॉइस्चराइज रहेंगे, हाइड्रेट रहेंगे और पूरे दिन बाल सिल्की रहेंगे और घुंघराले बालों की समस्या वो भी खत्म हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा हम उपयोग कर सकते हैं बाल सिल्की करने के लिए नारियल के तेल या जैतून के तेल की मसाज कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल लें और जैतून का तेल लें और गर्म तौलिया लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 से 3 चम्मच आपके बालों की लंबाई के अनुसार जो है तेल को हल्का सा गर्म करें और उसे यूज करें। उसके बाद हल्का हल्का मसाज करते रहें। अब गुनगुने सिर को जो तेल को सिर की त्वचा में बालों को अच्छे से लगा दें और 15 मिनट तक मसाज करें, फिर कुछ देर छोड़ दें। अब बालों को गर्म तौलिए से लपेट लें और आधे घंटे बाद शैम्पू से धो लें। गर्म तेल से मसाज बालों के रोम छिद्र को उत्तेजित करने में मदद करता है, बालों को बढ़ाता है, इससे आपके बाल की लंबाई बढ़ती है। कंडीशनर से मुलायम, लचीले और सिल्की होते हैं। सबसे पहले आपके डैंड्रफ खुजली की समस्या नहीं होती दोस्तों। नारियल के तेल के अंदर और सरसों के तेल के ऐसे घटक होते हैं जो बालों को पोषित करते हैं और कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो कि बालों को बढ़ने में और मजबूत होने में मदद करते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप उपयोग कर सकते हैं बाल सिल्की करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए आप 1 कप दही लीजिए और 2 चम्मच आंवला पाउडर मिलाइए। हमें करना क्या है, सबसे पहले दोनों सामग्री को एक साथ मिला लें और तब तक मिलाएं जब तक कि एक मुलायम पेस्ट ना बन जाए। अब इस मिश्रण को अपने सिर की त्वचा पर बालों पर लगाएं। जब ये मिश्रण आपके बालों में अच्छे से लग जाए तो इसके मास्क को आधे घंटे तक लगा छोड़ दें, फिर अपने बालों को शैम्पू से धो लें। और धोने के बाद हमेशा कंडीशनर करना ना भूलें। कंडीशनर करने से फायदा रहता है कि आपके बाल दिन भर सिल्की रहते हैं और लंबे रहते हैं क्योंकि टूटते नहीं। भले ही हफ्ते में आप 2 बार सिर धोएं, लेकिन जब भी धोएं कंडीशनर का उपयोग जरूर करें। एक आपको लास्ट और एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं मैं, बालों को सिल्की करने के लिए अंडे का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। करना क्या है, एक पूरा अंडा लें, उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है। सबसे पहले हमें अंडे को निकाल के उसमें जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिला दीजिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए और इसको अच्छे से मिश्रण को यहाँ पे आपके सिर की त्वचा पर लगाइए, मतलब बालों पर लगाइए। जब ये मिश्रण आपके बालों में अच्छे से लग जाए तो इसे आधे घंटे के लिए लगा हुआ छोड़ दीजिए। इसके बाद आप शावर कर लीजिए, नहा लीजिए और बाद में शैम्पू करके उसे कंडीशनर लगाएं। इसे 1 या 2 हफ्ते अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अंडे के अंदर प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है जो बालों को पोषण देता है, सिल्की बनाता है और बेजान बाल भी ठीक कर देता है। इसका उपयोग करने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, इसका एक बार उपयोग जरूर करें और आप रिजल्ट देखेंगे। इसमें से किसी का भी उपयोग करें और हफ्ते भर या 15 दिन का उपयोग करें, इसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
गरम तेल से मसाज बालों के रोम छिद्र को उत्तेजित करने में मदद करता है, बालों को बढ़ाता है, इससे आपके बाल की लंबाई बढ़ती है। कंडीशनर से मुलायम, लचीले और सिल्की होते हैं। सबसे बड़ा आपके डैंड्रफ, खुजली की समस्या नहीं होती दोस्तों। नारियल के तेल के अंदर और सरसों के तेल के ऐसे घटक होते हैं जो बालों को पोषित करते हैं, और कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो कि बालों को बढ़ने में और मजबूत होने में मदद करते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप उपयोग कर सकते हैं बाल सिल्की करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए आप 1 कप दही लीजिए और 2 चम्मच आंवला पाउडर मिलाइए। हमें करना क्या है, सबसे पहले दोनों सामग्री को एक साथ मिला लें और तब तक मिलाएं जब तक कि एक मुलायम पेस्ट ना बन जाए। अब इस मिश्रण को अपने सिर की त्वचा पर, बालों पर लगाएं। जब ये मिश्रण आपके बालों में अच्छे से लग जाए तो इसके मास्क को आधे घंटे तक लगा छोड़ दें। फिर अपने बालों को शैम्पू से धो लें, और धोने के बाद हमेशा कंडीशनर करना ना भूलें। कंडीशनर करने से फ़ायदा रहता है कि आपके बाल दिन भर सिल्की रहते हैं और लंबे रहते हैं, क्योंकि टूटते नहीं। भले ही हफ्ते में आप 2 बार सिर धोएं, लेकिन जब भी धोएं कंडीशनर का उपयोग जरूर करें। एक आपको लास्ट और एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ मैं, बालों को सिल्की करने के लिए अंडे का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों करना क्या है, एक पूरा अंडा लें, उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है। सबसे पहले हमें अंडे को निकाल के उसमें जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिला दीजिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए, और इसको अच्छे से मिश्रण को यहाँ पे आपकी सिर की त्वचा पर लगाइए, मतलब बालों पर लगाइए। जब ये मिश्रण आपके बालों में अच्छे से लग जाए तो इसे आधे घंटे के लिए लगा हुआ छोड़ दीजिए। इसके बाद आप शावर कर लीजिए, नहा लीजिए और बाद में शैम्पू करके उसे कंडीशनर लगाएं। इसे 1 या 2 हफ्ते अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अंडे के अंदर प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है जो बालों को पोषण देता है, सिल्की बनाता है और बेजान बाल भी ठीक कर देता है। इसका उपयोग करने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, इसका एक बार उपयोग जरूर करें और आप रिजल्ट देखेंगे। इसमें से किसी का भी वो उपयोग करें और हफ्ते भर या 15 दिन का उपयोग करें, इसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।